स्वागत है आपका crime100news.com में। साथ मैं हूं आपके अपर्णा। चलिए रुख करते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आत्मदाह करने वाले प्रॉपर्टी डीलर की मौत का मामला, परिजनों ने श्याम नगर चौराहे पर शव को रख कर लगाया जाम। महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर रास्ते को किया जाम। 50 लाख के मुआवजे के साथ चौकी इंचार्ज श्याम नगर पर कार्रवाई की कर रहे मांग। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबाव बनाने के लिए 2 घंटे तक पुलिस ने चौकी में बैठाया था। आरोपियों की चकेरी पुलिस से थी साठगांठ। एसपी कैंट के साथ पीएसी और भारी पुलिस बल मौके पर। संवाददाता संजय भदौरिया की खास रिपोर्ट। भाई परसों इन्होंने डाला तो पुलिस का काम था, क्षेत्रीय पुलिस का कार्य था कि डालने के बाद सूचना तो मिल गई। आप जाके कस्टडी में ले लेते तो ये अंजाम न होता। आप सोते रहे, आपके लोग यहाँ बैठे रहते हैं, आप रात में वसूली में बैठे रहते, कौन नहीं जानता क्षेत्र का यहाँ पे वसूली चलती है खुले एलानिया, ठीक है। उसके बाद परसों जब ये डाला गया है, इस बंदे ने डाला तो यहाँ चौकी में क्या सूचना नहीं पहुँची होगी? भैया हाँ भैया इधर आओ भैया, आ जाओ यहाँ का भैया को इसके 3 लड़की है, लड़की साले ने ले लिया, 4 लड़की करके साला घूमा भैया बस। अपने बेटी को पढ़ाया है, अपने बेटियों को पढ़ाया है। बेटियां पढ़ाई कर फीस जमा करनी थी उनको, और अपने बेटी को पढ़ाया है, अपने बेटियों को पढ़ाया है। मोदी जी फीस जमा करनी थी उनको, और मांग।